आज हम गेहूं के आटे का नाश्ता बनाते हैं जो बनाने में बहुत आसान है और खाना तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, लेकिन थोड़ी ही देर में आप इस नाश्ते को बनाकर देखना, बहुत खुश होकर खाएंगे। नमस्कार, मैं सविता, सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम गेहूं के आटे का नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। हम एक फ्राई पैन ले लेते हैं, उसमें एक छोटी चम्मच तेल डाल लेते हैं और एक कटोरी चने की दाल डाल लेते हैं जो मैंने पहले से ही 2 घंटे पहले भिगोकर रख ली थी, और डालकर रोस्ट कर लेते हैं। आप एक बार इस नाश्ते को बनाकर देखना, खाने में तो अच्छा लगेगा ही, इसका स्वाद पिज्जा और मोमोज से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमारी दाल रोस्ट हो गई है। अब हम मिक्सी का जार ले लेते हैं और उसमें सारी दाल को डालकर थोड़ा पीस लेते हैं, ना तो ज़्यादा बारीक पीसते हैं और ना ही ज़्यादा मोटा, दरदरा सा हम पीस लेते हैं। अब हमारी दाल पीसकर तैयार हो गई है। गेहूं के आटे का नाश्ता बनाकर खाओगे तो पिज्जा का और मोमोज दोनों से भी अच्छा होता है। अब हम एक भगोना ले लेते हैं, उसमें पीसी हुई दाल डाल लेते हैं और थोड़ी शिमला मिर्च, थोड़ा कटे हुए टमाटर, थोड़ी प्याज कटी हुई जो मैंने पहले से ही काट कर तैयार कर ली थी। अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं, आधी चम्मच मिर्च पाउडर डाल लेते हैं और आधी चम्मच गरम मसाला डाल लेते हैं। सभी को डालकर हम मिक्स कर लेते हैं, यानी कि पेस्ट बना लेते हैं। सभी को डालकर मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम दूसरा भगोना ले लेते हैं जिसमें मैंने गेहूँ का आटा नमक डालकर पहले से ही गूंद कर तैयार कर लिया था। नमक का आटा मैंने 10 मिनट पहले गूंद कर रख लिया था, क्योंकि इसे थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं तो आटा बहुत अच्छा हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, बनाने में बहुत आसान होता है। अब हम आटे में से छोटी छोटी लोई ले लेते हैं, जितनी हम पूरियां बनाने के लिए लोई लेते हैं, और चकले पर रखकर थोड़ा तेल लगा लेते हैं और हाथ से थोड़ी थोड़ी पूरी की तरह साइज बना लेते हैं। अब हम एक रसली ले लेते हैं जो सभी के घरों में होती है, इससे हम बहुत अच्छा डिजाइन बनाते हैं। अब हम करछली पे रखकर थोड़ा हाथ से दबा दबा कर और उसके अंदर जो मिक्सर बनाया था मैंने, चने की दाल का जो मिक्सर बनाया था, उसे डालकर बंद कर देते हैं। देखो कितनी अच्छी तरह से बन गया है और डिजाइन भी कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक बार इस रेसिपी को बना कर देखना, बनाना भी आसान है और खाना तो बहुत अच्छा लगता है, मोमोज और पिज्जा को भी फेल करता है। अब हम एक भगोना ले लेते हैं और उसमें थोड़ा गर्म पानी उबाल लेते हैं। उबले हुए पानी में हम सभी को डाल देते हैं। अब 10 मिनट के लिए हम ढककर पका लेते हैं। 10 मिनट बाद देखते हैं हमारा आटे का नाश्ता उबल कर पक कर तैयार हो गया है। अब हम इसे छन्नी से पानी से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं, आधी चम्मच राई डाल लेते हैं और 2 सूखी मिर्च डाल लेते हैं, थोड़े करी पत्ता डालकर भून लेते हैं। और थोड़ी आधी चम्मच देगी मिर्च डाल लेते हैं, इससे इनमें कलर बहुत अच्छा आता है। और सभी को डालकर अब हम मिक्स कर लेते हैं। देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी देर के लिए हम कढ़ाई में इसे भून लेते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं हमारे गांव के आटे का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा ओरिगेनो डाल लेते हैं। थोड़ी चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। और 2 चम्मच टमाटो सॉस डाल लेते हैं। सभी को डालकर मिक्स कर लेते हैं। जब कभी कभी बच्चे परेशान होते हैं कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, थोड़ी देर में हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं और सभी बहुत खुश होकर खाते हैं। अब हम कटा हुआ धनिया डाल लेते हैं और डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा गेहूं के आटे की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अब हम एक प्लेट ले लेते हैं
और सभी को उस प्लेट में डाल लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसे बनाने में आसान इसलिए है कि ये तले नहीं जाते, इसे सब खाते हैं। तला हुआ तो सबको नुकसान करता है, लेकिन ये बिना तला हुआ है, खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और तेल भी नहीं है। हमारे गेहूं के आटे का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है।